चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करेंसी मार्केट, ठीक है। तो करेंसी मार्केट क्या होती है? करेंसी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे फिएट करेंसी ट्रेड की जाती है। अब ये फिएट करेंसी किन करेंसीज को कहते हैं? जिनको देश का सेंट्रल बैंक लीगल टेंडर मानता है, ठीक है। इंडियन लीगल टेंडर करेंसी कौन सी है? रुपीस। तो ठीक उसी तरह से अमेरिका की फिएट करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी चार करेंसी ट्रेड की जाती हैं, यूएस डॉलर, जापनीज येन, यूरो और पाउंड। ये चार तरह की करेंसी को यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अब ये करेंसीज ना जिसके अगेंस्ट में ट्रेड की जाती हैं वो है INR, यानी ये सारी की सारी करेंसीज को हम इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में यहाँ पर ट्रेड करते हैं और इन्हीं दोनों को बोला जाता है करेंसी पेयर। अब यहाँ पर इस करेंसी में आप देखोगे, जैसे आज एक डॉलर की कीमत कितनी है? 83.30 रुपए। यानी एक INR जो है, एक डॉलर की जो कीमत है वो 83 रुपीज एंड 30 पैसा इंडियन रुपीज में। अब यहां पर आप जब भी बात करोगे आप बोलोगे कि जो एक डॉलर है वो आज के दिन कितने रुपए से खरीदा जाता है, आप हमेशा यही बात करते हो। तो डॉलर तो एकदम स्टेबल रहता है, तो इसे हम कहते हैं बेस करेंसी। तो जो करेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? बेस करेंसी। और जिसमें डेली चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोटेड करेंसी। तो ये जो INR है ये कोटेड करेंसी माना जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है करेंसी पेयर। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये जो करेंसी मार्केट है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, यानी अगस्त 2008 में, और इसको रेगुलेट करता है RBI, जैसा आप सब लोग जानते हैं। करेंसी मार्केट सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है और यहाँ पर आप दो तरह से ट्रेड करते हैं, एक तो फ्यूचर्स में और दूसरा ऑप्शंस में, ठीक है। इन दोनों में ये ट्रेड किया जाता है। मंडे से लेकर फ्राइडे ये मार्केट चलता है और यहाँ पर जो भी सेटलमेंट किया जाता है वो कैश में किया जाता है, यानी इंडियन रुपीस में सेटलमेंट होता है। जो भी लॉस प्रॉफिट का होगा ना, इंडियन रुपीस में प्रॉफिट का सेटलमेंट होगा। अब यहां पर सभी का लॉट साइज 1000 यूनिट्स का होता है, यानी 1000 डॉलर, 1000 जापानीज येन, 1000 यूरो और 1000 ही पाउंड, ठीक है। आ रहा समझ में? तो करेंसी मार्केट में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, जो इसकी एक्सपायरी होती है वो वीकली और मंथली तौर पर होती है, ठीक है। लास्ट वर्किंग डे, जब भी मंथली होता है इसकी एक्सपायरी होती है। तो ये करेंसी मार्केट था। अब ये एक बेसिक चीज़ थी करेंसी मार्केट में, बट अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि करेंसी मार्केट को जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी करेंसी को बाय करना है और कौन सी करेंसी को सेल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। तो जब भी आप करेंसी मार्केट में काम करते हैं ना, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो करेंसी को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो फैक्टर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो किसी भी प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है किस तरह से होता है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस से होता है। हम सब ने 12th क्लास में ये पढ़ा, ठीक है। अब डिमांड सप्लाई की फोर्सेस तय करती हैं कि किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो कितना होगा। अब यहाँ पर आज जो रुपया है, जो INR है, उसकी कीमत हम अज्यूम कर लेते हैं, वैसे इसके आसपास ही है, तो मान लेते हैं कि एक डॉलर की जो कीमत है, एक डॉलर की जो कीमत है आज के दिन में वो इतना चल रहा है। तो आज ये जो कीमत है वो निकली कैसे, कैसे आई ये कीमत? इसके लिए दो फोर्सेस काम करती हैं। सबसे पहला तो डॉलर का इनफ्लो और डॉलर का आउटफ्लो, कि कितना डॉलर हमारी कंट्री में आया और कितना डॉलर हमारी कंट्री से गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट में हमारे रुपए की वैल्यू तय होती है। तो आप ये समझ लो कि जब भी हमारे हमारी कंट्री में इनफ्लो ज़्यादा रहेगा और आउटफ्लो कम रहेगा तो क्या होगा, रुपया मजबूत होगा। और जब भी इससे उल्टा हो जाएगा, यानी इनफ्लो जो है कम हो जाएगा और आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तो रुपया क्या हो जाएगा, महंगा, यानी गिर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यानी जो रुपए की कीमत है ना वो डॉलर के इनफ्लो और आउटफ्लो से तय की जा रही है।
तो अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई डॉलर कब ज्यादा आ रहे हैं हमारी कंट्री में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कब रुपया मजबूत होने वाला है। और अगर हमें ये समझ में आ जाए कि किन कारणों से डॉलर जा सकते हैं, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि रुपया कमजोर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हमें किन फैक्टर्स को काम करना है, उन फैक्टर्स पे काम करना है जिनसे हमें ये समझ में आए कि रुपया किन वजह से कमजोर होता है और किन वजह से मजबूत होता है। यही बात है। तो सबसे पहली चीज, आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और सोचने की कोशिश करिए कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जो डॉलर है हमारी कंट्री में आएगा। अगर एक्सपोर्ट करेंगे, यानी सबसे पहला तो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो रुपया मजबूत होगा। सही जवाब। दूसरा जवाब, रेमिटेंस। बिल्कुल ठीक है, रेमिटेंस भी ठीक है। तीसरा जवाब, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैं लास्ट में देखूंगा रेमिटेंस को। यानी देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना तीन तरह से आती है। एक FDI के तौर पर, जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पता क्या होता है, कंपनियां आती हैं, मालिकाना हक लेती हैं यहाँ पर और काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बहुत बड़ा डॉलर इनफ्लो आता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। और FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ये भी डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा क्या है, एक रीजन है जिसकी वजह से इनफ्लो होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ये सोचो कि ये एक्सपोर्ट हम ज्यादा कब कर पाएंगे, जब ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। ज्यादा प्रोड्यूस कब कर पाएंगे, जब ज्यादा कैपिटल होगी, ज्यादा मैन पावर होगी और ज्यादा डिमांड होगी। मतलब ज्यादा डिमांड होगी, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। ज्यादा डिमांड कब होगी, जब आपके पास पैसा होगा। पैसा कब होगा, जब नौकरी होगी, बिजनेस अच्छे चलेंगे। बिजनेस अच्छे और नौकरी कब मिलेगी, जब देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। देश की अर्थव्यवस्था का विकास कब होगा, जब स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी। देखो कितने सारे रीजन हमें समझ में आए, सभी रीजन सही हैं, पर एक जो इसका सबसे बड़ा रीजन है ना, मैं एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट, देखना ध्यान से समझना। इंटरेस्ट रेट जब भी लो होता है ना, तो क्या होता है, जो इंडस्ट्री होती है उसका एक्सपेंशन होता है। ऐसा ही है। अब मान लेते हैं कि जब बिजनेस एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी तो प्रोडक्शन होगा तो एक्सपोर्ट होगा। देखो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, तो इंटरेस्ट रेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसके लिए, करेंसी को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट रेट से। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है जो 3% मंथली रिटर्न दे रहा है, या चलो 2% भी मंथली रिटर्न दे रहा है। रिलैक्स करता हूं, डिबेट करेंगे थोड़ा सा, भाई ने रीजन दे दिया। चल तू बोल, तू बोल। अगर 2% मंथली रिटर्न पे भी बिजनेस दे रहा है तो 24% हो गया, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो 8 से लेके 12 के बीच में घूमता रहता है। आप क्या करते हो पहले बताओ, सबको बताओ। यार तूने क्या बोल दिया ये, चल अच्छी बात है। अब मैं तेरे को थोड़ा सा ना इनके मतलब तेरे को थोड़ा सा सिखाने के लिए मैं थोड़ा डांटूंगा। मैं तेरा बड़ा भाई जैसा हूँ तो बुरा मत मानियो, तेरी भलाई के लिए डांटूंगा। चल तू बोल अब। तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा फर्क पड़ता है 1-2% से, क्योंकि जो बैंक रिवाइज भी करता है तो वो पॉइंट्स में फर्क आता है कि 30 पैसा पता नहीं लोन का रेट कम कर दिया या कुछ कर दिया। और अगर हम बिजनेसेस की बात देखें तो बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो 18-20% सालाना का मतलब वो कर रहे हैं रिटर्न, तो क्या फर्क पड़ेगा इतने माइनर उससे, ये क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर 50 बेसिस पॉइंट का फर्क आ गया, हाँ जी, तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न जो होता है वो उससे कई गुना ज्यादा है। जैसे गाड़ी का भी इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल कार लोन जब हम लेते हैं तो वो 8.60 पे मिल रहा है या 8.90 पे मिल रहा है, मतलब कोई बहुत एक्सट्रीम फर्क नहीं है कि उसके बेसिस पे आप मतलब बोलो कि करेंसी मार्केट इतनी फर्क पड़ जाता है। चलो आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, RBI ने रेपो रेट बढ़ाया, रेपो रेट 6 से 6.5 कर दिया। मार्केट 2000 पॉइंट गिरी थी इस कारण से, सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट से।
अब आपके लिए ये सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट है, पर इसकी वैल्यू समझते हो क्या है? समझो ध्यान से, इंडिया में कितने बैंक्स हैं? चलो ये बताओ, होम अभी होम लोन का रेट क्या चल रहा है? अगर आपका सिबिल 800 प्लस भी है तब भी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? लेके दिखा दो 8% पे, 1 करोड़ रुपए देता हूँ तुम्हें। भाई साहब 8.5, 9 से कम पे किसी को नहीं मिल रहा आजकल। 10 10.5 तक अगर तुम्हारा सिबिल थोड़ा सा भी 800 के नीचे है तो 10 10.5 की बात करो। पहले 7 में मिल रहा था सर, 6.5 में मिल रहा था पहले। ठीक है, अब पहले समझते हैं। जो रेपो रेट होता है ना, दो तरह के रेट होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट, तो एक होता है रेपो रेट। तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली जब होता है, जिसे बैंक रेट बोलते हैं, तो ये जो बैंक रेट होता है ये वो रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, और रेपो रेट वो होता है जिसपे शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई बैंक्स को लोन देता है जिसमें कोलेटरल रखता है अपने पास। ये दो अंतर समझ में आ गया। अब बैंक रेट को पकड़ के चलते हैं। बैंक रेट अगर मान लेते हैं 6% है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो 6% पे बैंक्स क्या लेंगे? पैसा लेंगे आरबीआई से, और वो लैंड करेंगे आगे। अब बैंक का तो खर्चे इतने सारे हैं, आप समझ रहे हैं, तो बैंक आपको जो इंटरेस्ट देगा ना, मतलब सबसे कम इंडिया में इस वक्त ऑटो लोन है मैं मानता हूँ, क्योंकि ऑटो लोन ऐसा लोन है जहाँ पे ना डिफॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपका सिबिल अच्छा है ना, तो आपको 8.5 पे ऑटो लोन मिलता है आज के टाइम पे। ठीक है, उसे ही पकड़ के चलते हैं। 6% पे आपको मिल रहा है, 8.5 पे आप लैंड कर रहे हो, 2% का आपका खर्चा भी है, 3% का आप कमाओगे क्या? कुछ नहीं कमाओगे, बिल्कुल ठीक है। पर ये जो बिजनेस लोन होते हैं ये बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट कहाँ पर होता है? बिजनेस लोन में। पर जिस कंपनी को पैसा वापस करना है ना, वो एक एक पैसा लौटाएगी। पर आपने देखा बीजेपी गवर्नमेंट में कोई भी बिजनेस में डिफॉल्ट नहीं हुआ, जिसने पैसा लिया है आप देख रहे हो चाहे विदेश भाग गया है, पैसा वापसी आ रहा है। आप जानते हो उस बात को, मानते भी हो? अब सिंपल सी एक चीज़ समझो, आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया और आपकी ईएमआई 5,000 महंगी हो गई, तो कितने लोग उसको प्री पोस्टपोन कर देंगे घर लेने के लिए? 5,000 का फर्क पड़ेगा तो कितने लोग करेंगे? करोगे? तुम्हें ये 50 बेसिस पॉइंट नज़र आ रहा है, पर मुझे 5,000-6,000 की ईएमआई का फ़र्क नज़र आ रहा है यार, समझ में आ रहा है? अब जब घर नहीं बिकेंगे तो रोज़गार कम हो जाएंगे, मानते हो? क्योंकि एक घर जब बनता है तो सिर्फ घर नहीं बनता है, लेबर इंडस्ट्री को, कैपिटल गुड्स को, सीमेंट इंडस्ट्री को, ब्रिक्स इंडस्ट्री को, और बहुत सारी इंडस्ट्री को काम मिलता है। तो आपका ये जो 50 बेसिस पॉइंट है ना, इसकी वजह से घर बिकने कम हो जाएंगे, नौकरियां कम हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में, जीडीपी में थोड़ा करेक्शन आएगा, नीचे जाएगी। अब ये एक इंडस्ट्री की बात है, ऐसी और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं सब पर जब फर्क आएगा, तो कलेक्टिवली 50 बेसिस पॉइंट से हमारा जीडीपी 1.5 से 2% डाउन आ जाएगा। और 1.5 से 2% डाउन का मतलब समझते हो, स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल अच्छा वाला। तो कभी भी तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ये तो 50 बेसिस पॉइंट है, वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो वो 50% नहीं है, वो 5-6 लाख करोड़ का डेंट है। क्योंकि कलेक्टिवली अगर हमारी जीडीपी 2% गिर जाती है तो हमारी जीडीपी यार ऑलमोस्ट समझो 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की तो है। तो अगर 2% का मतलब समझते हो, बहुत बुरा हो जाएगा, तो ऐसे मत कहना किसी से, ठीक है? तो अब इसके बाद एक फैक्टर और है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब होता है तो कब होता है, किसकी वजह से होता है? क्रूड ऑयल की वजह से डायरेक्टली इन्फ्लेशन होता है। तो क्रूड के प्राइजेस जब भी ऊपर जाएंगे, करेंसी वीक हो जाएगी, ठीक है? कैसे हो जाएगी आप सबको पता है, क्योंकि क्रूड के प्राइस जैसे ही ऊपर जाएंगे हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगी, और इस इन्फ्लेशन से क्या होगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे आपकी करेंसी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है? जो फॉरेन डेट होते हैं ना, उसकी वजह से भी करेंसी वीक होती है, गवर्नमेंट डेट कह दो उसे, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट का पेमेंट डॉलर में करते हैं, ठीक है? ये भी एक रीज़न होता है, और मॉनसून भी एक रीज़न होता है। तो बैड मॉनसून बोल देता हूँ मैं, देखो अगर मॉनसून अच्छा नहीं आता तो खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी कई इंडस्ट्री के, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से करेंसी फ्लक्चुएट होती है, इम्पैक्ट होती है, ठीक है? तो आपको
ये समझना है जब भी करेंसी मार्केट में ट्रेड करोगे, ये सारे फैक्टर्स को आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे और फिर अपना डिसीजन मेकिंग करोगे। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, अब ये कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे कमोडिटीज में ट्रेड किया जाता है। अब कमोडिटी में जब ट्रेड किया जाता है तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के एक्सचेंज होते हैं, पहला MCX, दूसरा NCDX। ये जो मार्केट है ये सुबह 9 बजे से चलती है और रात को गर्मियों में 11:30 और सर्दियों में 11:55 तक चलती है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये मार्केट चलती है और सेबी इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, इसकी एक्सपायरी अलग अलग दिन होती है, यानी कमोडिटी मार्केट की जो एक्सपायरी होती है ना अलग अलग डेज पर होती है। अब बेस्ट पार्ट पता क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि कमोडिटी की जो एक्सपायरी होती है ना उसके बाद आप उसको फिजिकल डिलीवरी के तौर पर भी ले सकते हो। सपोज करो तेरे को गोल्ड खरीदना है और तू चाहता है कि एक्सचेंज से गोल्ड खरीदे, तो ये पॉसिबल है कि तू एक्सचेंज से गोल्ड खरीद सकता है, उसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकता है। और अगर तू बेचना चाहता है तो वो तू दे भी सकता है वहाँ पे। ठीक है, जितना आप खरीदेंगे, जैसे आपने मिनी लॉट खरीदा तो आप मिनी लॉट की डिलीवरी देंगे या लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ये जो कमोडिटीज़ होती है ना ये चार तरह की होती हैं। सबसे पहला एग्री कमोडिटीज़। अब सारी एग्री कमोडिटी लिस्टेड नहीं होती हैं पर कुछ कमोडिटीज़ हैं जो लिस्टेड है, जैसे पोटैटो है, कॉफ़ी है, शुगर है, मेंस है, वीट है, बारले है, इस तरह से। ठीक है, कार्डमम है। दूसरी कमोडिटीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं बेस मेटल्स, यानी कॉपर, निकल, जिंक, लेड, ये सारे के सारे बेस मेटल है जो यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। तीसरी कमोडिटी है जिसे कहा जाता है बुलियंस, यानी गोल्ड एंड सिल्वर को बुलियन कहा जाता है। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर। और लास्ट कमोडिटी है जिसको बोला जाता है एनर्जी। अब एनर्जी में दो कमोडिटीज़ आती हैं, पहला नेचुरल गैस NG जिसे कहा जाता है और दूसरा क्रूड ऑयल। ये पांच तरह की कमोडिटीज़ यहाँ पे ट्रेड होती हैं। ठीक है, अब कमोडिटीज़ में भी आप कमोडिटीज़ को भी दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं, पहला फ्यूचर्स में और दूसरा ऑप्शंस में। पर यहाँ पर ना हर एक कमोडिटी के ऑप्शन नहीं होते, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला करेंसी, तो करेंसी फ्यूचर्स हैं ये, देखो ये आप देख पा रहे हैं, ये USD INR का लॉट है 1000 का, कीमत चल रही है $83.62 और ये मार्जिन है सिर्फ 2090 रुपये एक लॉट का। ठीक है, इसी तरह से ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है जिसका लॉट साइज़ है 1000 शेयर्स का या 1000 यूनिट्स का, 106 रुपये का प्राइस है और 3460 का मार्जिन है। ये जापनीज़ येन है जिसका लॉट है 1000 यूनिट्स का, 53 रुपीज़ 63 पैसे का लॉट प्राइस है और मार्जिन है केवल और केवल 2300 इतने का, और ये है। ठीक है, अब मान के चलो कि आपको लगता है कि यहाँ से US डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, विच मीन्स कि रुपया 85 चला जाएगा, तो आप क्या बाय करेंगे? आप USD को बाय करेंगे। पर आपको लगता है अगर रुपया यहाँ से 80 रुपीज़ चला जाएगा यानी स्ट्रांग हो जाएगा तो आप USD को सेल करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम कमोडिटीज़ को देखते हैं कि कितनी तरह की जो कमोडिटीज़ हैं। अब ये देखिए ये कमोडिटीज़ यहाँ पे ट्रेड होती हैं। तो ये एल्यूमिनियम है, इसका छोटा लॉट है यानी वो 1 मेट्रिक टन का होता है, जिसका मार्जिन है 29,014 रुपये और ये प्राइस है 242 रुपये 60 पैसे। मार्जिन है यानी फ्यूचर्स जो आप बाय करेंगे उसके लिए पे करेंगे। ये एल्यूमिनियम है जिसका बड़ा साइज़ है 5 मेट्रिक टन का, इसका मार्जिन है 1,35,928 का और इसकी प्राइस चल रही है अभी 241 रुपये 65 पैसे। ये कॉपर है जो 2.5 मेट्रिक टन का आता है और इसका प्राइस है 2 लाख। ठीक है, इसी तरह से कॉटन कैंडी, क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल का बड़ा साइज़ है यानी मेगा लॉट है और ये स्मॉल लॉट है। ठीक है, तो ये 100 बैरल का लॉट साइज़ है जिसकी कीमत है 2,16,528 रुपये और इसी तरह से जो मिनी लॉट है उसका जो प्राइस है यानी कि जो मार्जिन है वो है 21,652 रुपये। इसी तरह से ये गोल्ड है 1 किलो का लॉट साइज़। अब आपके पास चॉइसेज हैं, आप गोल्ड गुनिया ले सकते हैं केवल 8 ग्राम का लॉट है, आप गोल्ड मिनी ले सकते हैं 100 ग्राम का लॉट है और आप गोल्ड पेटल भी ले सकते हैं जो 1 ग्राम का है। आप देखेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? और ये मार्जिन,
देखिए, जितने भी बेस मेटल होते हैं सबकी एक्सपायरी होती है लास्ट वर्किंग डे पर, बुलियंस की भी लास्ट वर्किंग डे पर होती है। हाँ जी, ठीक है, उससे पहले आप सेटल कर लीजिएगा, नहीं तो फिजिकल डिलीवरी मिलती है फिर। ठीक है, मेरा नाम है अतुल, मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई, उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588-68475 और विजिट www.onlinenifm.com।